कमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे कमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर। सर, ये वीडियो लेक्चर किस बारे में? ये वीडियो लेक्चर है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है, ये बात आप भी समझते हैं और हम भी, कि ये कॉमन मैन और कई बार लॉ स्टूडेंट्स को भी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट जो हमारी कंट्री में है वो कौन कौन से हैं। हम कई बार न्यूज पढ़ते हैं तो हमें उसमें सुनने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी। हमें कई बार न्यूज पेपर्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजमेंट था उसको क्वॉश कर दिया, या हाई कोर्ट ने कुछ एक स्पेसिफिक रूलिंग दी। फिर हम कई बार सुनते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स में कोई केस गया हुआ है, तो माइंड में केओस क्रिएट होता है, माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम आपके इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के फॉलोअप में हम कुछ और वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे, जिस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोर्ट की, यानी कि वो और भी ज्यादा डिटेल्ड और डीप इन्फॉर्मेशन देने के लिए होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमारा क्या प्राइम फोकस है कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जाए कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स हमारी कंट्री में क्या क्या है और कौन कौन से हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ कोर्ट हम डील करने वाले हैं, दैट इज दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये ऑनरेबल यहाँ पे क्या है, साइलेंट है या इनविजिबल है, लेकिन ये आपको हमेशा एड्रेस करना है। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा हम हमेशा कैसे एड्रेस करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री की इकलौती है और दैट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री, यानी कि कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई जुडिशियल बॉडी एग्जिस्ट कंट्री में नहीं करती, इसलिए वो इकलौती भी है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप मोस्ट। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कंट्री की टॉप मोस्ट कोर्ट है, इसीलिए वो कंट्री में इकलौती है और वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, एक कोर्ट बिना जजेस के कोर्ट नहीं होती है। जब किसी जज का प्रेजेंस होता है कोर्ट में तभी वो एज अ कोर्ट रूम एड्रेस होता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी कोर्ट की क्या होती है, जजेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जजेस के बारे में। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस होते हैं, 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 34 जजेस है जिनमें से एक जज कौन होंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब एक बात समझने की है यहाँ पे कि चीफ जस्टिस किसके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री की एपेक्स कोर्ट है, सबसे टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी है, और उस पर्टिकुलर कोर्ट के फर्स्ट जज जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, इसलिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग जो लॉ बैकग्राउंड को नहीं बिलोंग करते हैं, कई बार लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन रहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी। तो ये बात पार्शली गलत है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया कोई जजमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये जो जजमेंट की वैल्यू है ये डिसाइड होती है नंबर ऑफ जजेस की बेंच से, यानी कि 3 जज बेंच का ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर है या डिविजनल बेंच का ऑर्डर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर क्या है? चीफ जस्टिस इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो रोस्टर डिजाइन करना होता है या अदर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं उसको कौन लीड करते हैं? उसको लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे चाहे तो बता सकता है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री की क्या है, एपेक्स कोर्ट है। इसके साथ हमने और क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं जिनमें से एक जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब सर हमने जज को पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया कि वो एपेक्स कोर्ट है, सर जो जजेस हैं वो कब रिटायर होंगे? तो जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है वो है 65 इयर्स। अब ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ क्यों मेंशन किया, जब हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या बाकी के जजेस हो, दे ऑल विल रिटायर एट द एज ऑफ 65 इयर्स। और एक और नोटेबल बात क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट इन द इंडियन जुडिशरी, जो कि कॉमनली देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में भी यही एज है मैक्सिमम रिटायरमेंट होने की। लेकिन कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो जो आपके वाइस चांसलर्स हैं या इस टाइप की पोजीशन को होल्ड करने वाले जो टेम्पररी पोजीशन है, जो 5 ईयर टर्म पे होती है, उसकी मैक्सिमम एज होती है 70 ईयर्स। इसीलिए 65 ईयर्स इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो दो तरीके से अपॉइंट किए जा सकते हैं। पहला क्या होता है, और जो सबसे कॉमन तरीका है, जिस तरीके से आप ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, वो क्या है, हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर सीनियरिटी। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें कि हाई कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट हुआ, फिर उनका एक लॉन्ग टर्म होता है हाई कोर्ट में। कॉमनली देखा जाता है कि 10 साल से ज्यादा जब कोई हाई कोर्ट जस्टिस सर्व कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तो उनको एलिवेट किया जाता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं किया जाता, कई बार उनको बनाया जाता है चीफ जस्टिस, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के नहीं जिसके वो है, किसी अदर स्टेट के हाई कोर्ट का उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। फिर जब वो वहां पे भी कुछ एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम सर्व कर लेते हैं एज अ चीफ जस्टिस, देन एज पर टर्म्स ऑफ सीनियरिटी या उनके पुराने जजमेंट्स को जज करके उनको रिकमेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कोई मुझे एग्जांपल के तौर पे अगर बताना चाहे, आपके स्टेट से कोई ऐसे जज है जो गए हो, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए अभी रिसेंटली एक जज को जो कि चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे, उनको कहां भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज जस्टिस प्रशांत मिश्रा। ठीक है सर, तो अपॉइंटमेंट एक हमने कैसे पढ़ा, एक अपॉइंटमेंट होता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। क्या कोई दूसरा तरीका भी है सर? जी हाँ, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई बार जब उनके पास बहुत डिस्टिंग्विश्ड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है और ऐसा लगता है कि वो जज के लिए वर्दी है, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं सीधे सीधे उनको भी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज एलिवेट किया जाता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई ऐसे जज को आप जानते हैं जिनको डायरेक्टली एज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया हो एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमने ये पढ़ा, तो हमने अपॉइंटमेंट में क्या दो चीजें समझी कि पहला हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट किया जाता है जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं और चीफ जस्टिस से उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जाता है, और दूसरा एडवोकेट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट किया जाता है। अब जो मैंने आपको बताया हाई कोर्ट के जजेस को एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें एक सब क्लॉज भी है, क्या है कि जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कई बार हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको सीधे अपने हाई कोर्ट से एलिवेट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। इसका कोई एग्जांपल है? जी हाँ, इसका एग्जांपल है जस्टिस पाड़ीवाला, जिनको रिसेंटली एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में, जो इससे पहले कहां थे, गुजरात हाई कोर्ट में थे। ठीक है सर, और क्या पता है हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में? और हमें यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है और साथ ही साथ उसके जो जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग होंगे बाकी सारी कोर्ट पे। और इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पहला तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, यानी कि जो उसके ओरिजिनल मैटर्स वो डील करता है वो तो करेगा ही करेगा, साथ में उसका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो भी उसकी लोअर कोर्ट है उसको वो एड एंड एडवाइस कर सकता है किसी भी लीगल मैटर पे। अपीलांट तो है ही सर, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जाते हैं वो अपील के ही जाते हैं। और क्या है उसका ज्यूरिसडिक्शन में, रिट। अब रिट क्या है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 टू इशू रिट्स, और इस रिट्स के मामले में आप डायरेक्टली भी अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने यहां पे पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का प्रमाइसिस है। दिस इज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो इस वक्त हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस है, एंड ही इज गोइंग टू रिटायर इन द ईयर ऑफ 2024, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इज गोइंग टू गेट रिटायर्ड। तो इनके बाद चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना। तो क्या ये अभी इस वक्त सेकेंड नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट पे? नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वो है जस्टिस संजय किशन कौल, ही इज नेक्स्ट इन लाइन, बट वो इसी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए उनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी जस्टिस संजीव खन्ना।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इनके फादर भी सर्व कर चुके हैं एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही वॉज दी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो एक एपेक्स कोर्ट है, उसमें 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 65 ईयर्स जो है वहां के जजेस के रिटायरमेंट की एज है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है उसके 2-3 तरीके पढ़े हमने। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसका जो जुरिसडिक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है सर, और साथ ही साथ हमने जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है और जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है उनको देखा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं हाई कोर्ट की तरफ। तो आप नीचे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आप हाई कोर्ट से क्या समझते हैं और हाई कोर्ट कितने हैं हमारी कंट्री में। हाई कोर्ट को समझते हैं तो हाई कोर्ट क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, लेकिन ये बात आधी सही है और आधी गलत है। कैसे, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन को कवर करता है, यानी कि हाई कोर्ट के पास अपने स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन होता ही है। और कॉमनली ऐसा देखा जाता है जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट वो महाराष्ट्र को कवर कर रही है, अलाहाबाद हाई कोर्ट जिसकी एक और बेंच भी है वो कवर कर रही है उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो कि बिलासपुर में है वो छत्तीसगढ़ का ज्यूरिसडिक्शन को कवर कर रही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट को हम नॉर्मली कहते हैं हाई कोर्ट, लेकिन ऐसी कुछ हाई कोर्ट्स हैं जैसे कि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उनमें स्पेसिफिक हाई कोर्ट नहीं होती है मोस्टली, तो वो किसी और हाई कोर्ट में उनके मैटर्स लगते हैं। तो यानी कि स्टेट का तो मैटर देखती ही है हाई कोर्ट, साथ ही साथ कई केसेस में उनके पास एक्स्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन पावर भी होती है। अब जजेस कौन होते हैं, तो यहाँ आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको 34 जजेस सीधे सीधे लिख दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट में मैंने केवल जजेस लिखा और लिखा इंक्लूडिंग दी चीफ जस्टिस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप कभी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे जैसे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट की जजेस का नंबर जो है वो कम है 10-15, लेकिन अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा 60+ जजेस हैं वहां पे। एमपी हाई कोर्ट में जाके देखेंगे तो वहां पे भी नंबर इतना ही बड़ा है। तो जो हाई कोर्ट के जजेस का नंबर है वो सैंक्शनड होता है, वो नंबर प्री डिसाइडेड होता है और उस नंबर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं, पोस्ट होती हैं जो कि पहले से प्री डिसाइडेड है। तो इसीलिए यहाँ पे जजेस यानी कि हाई कोर्ट में भी जजेस होंगे और उनमें से एक उनके जो फर्स्ट जज होंगे दैट विल बी द चीफ जस्टिस। और जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनके ऐसा नहीं होता कि वो जो जजमेंट देंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बस फर्क इतना होता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट को लेकर और वो रोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, अब अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की। ठीक है सर, तो हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसमें भी दो तरीके हैं। कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है क्या हाई कोर्ट जज अपॉइंट करने के लिए, नहीं। हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ये है कि जैसा आपको पता है लोअर जुडिशरी यानी कि सिविल जज का एग्जाम जब आप लोग क्वालिफाई करते हैं या एडीजे का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिविल जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है। उसके बाद आप अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं आप। फिर वहां पे जब आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से टर्म सर्व कर लेते हैं तो आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से आपको एलिवेट किया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज। लेकिन ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस से एलिवेट होकर हाई कोर्ट में जाते हैं वो ज्यादा सीनियोरिटी लेवल को टच नहीं कर पाते क्योंकि उनका पहले से ही सीनियोरिटी में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है हाई कोर्ट जजेस को बनाने का, दूसरा तरीका होता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाई कोर्ट के जो सीनियर वकील होते हैं, जो सीनियर एडवोकेट उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं उनको डायरेक्टली एलिवेट किया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज, या एडवोकेट जनरल जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में हो कई बार उनको भी एलिवेट किया जाता है, जो आपके रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट में सर्व कर रहे होते हैं उनको भी एलिवेट किया जाता है। यानी कि एक डायरेक्ट एलिवेट किया जाता है आपको एज अ हाई कोर्ट जज, और दूसरा तरीका होता है कि जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं ऑलरेडी जुडिशरी में सर्व कर रहे हैं लोअर जुडिशरी में उनके सीनियर मेंबर्स को भी हाई कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज। तो हमने पढ़ लिया कि हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है किसी भी स्टेट की, उसके जो जजेस होते हैं उनका नंबर डिफरेंट स्टेट्स में वैरी करता है और इसके साथ ही साथ उनमें भी एक जज होते हैं जो कि चीफ जस्टिस होते हैं। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि किसी भी स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं। किसी भी जज को जो कि ओरिजिनली उसी हाई कोर्ट में जज थे उसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने से रोका जाता है या ऐसा अवॉइड किया जाता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया सर। अब रिटायरमेंट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और इसमें फर्क हो गया कि जो रिटायरमेंट की एज है वो हाई कोर्ट के जजेस की कितनी होती है, 62 ईयर, जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की रिटायरमेंट एज मोस्टली कितनी होती है, 65 ईयर्स, और यहाँ पे एज कितनी है, 62 ईयर्स, जो कि नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है। रिट्स इशू कर सकता है हाई कोर्ट, सही बात है, हमने पढ़ा था किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर में रिट इशू कर सकती है। हाई कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि ये भी अपने कंटेम्प्ट पे पनिश कर सकती है और साथ ही साथ इसके जो ऑर्डर्स हैं और इसकी जो रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग होंगी लोअर कोर्ट पे। ज्यूरिसडिक्शन क्या है,
अब इसका जुरिस्डिक्शन भी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से एकदम सेम है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी है, अपीलांट है और रिट है, रिट भी इशू कर सकता है। लेकिन इसके रिट इशू करने की पावर में और सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने की पावर में क्या फर्क है? पहला फर्क तो यही है और सबसे प्राइम फर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट आपके रिट को रिजेक्ट नहीं कर सकती अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है और वैलिड है, लेकिन हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये रिट इशू करने से मना कर सकती है। आगे बढ़ते हैं सर, हम एग्जांपल लेते हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का। तो ये हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का प्रमाइसिस है, ये कहां पे है? बिलासपुर में है। इस वक्त प्रेजेंटली यहां के चीफ जस्टिस कौन है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रमेश सिन्हा इज द चीफ जस्टिस एंड हु इज द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, दैट इज जस्टिस गौतम भादुरी। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के बारे में। यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और सबसे ज्यादा लोग अभी यहीं पे बोलेंगे कि सर ये क्या लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट, हमने तो पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट एक ही बात है। अभी हम आपको बताते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कौन प्रिसाइड करता है? उसको डिस्ट्रिक्ट जज। और सेशंस कोर्ट को कौन प्रिसाइड करता है? सेशंस जज। अब ये सुन के आधे लोगों का दिमाग हो जाता है खराब कि भाई ये क्या बता दिया, अभी तक तो हमें पता था एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट का हेड होता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ फर्क है, मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होता है, सेशंस कोर्ट अलग होता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि इन दोनों कोर्ट को साथ में क्लब करके वर्क कराया जाता है। कैसे सर, ये कैसे अलग हो गया? यहां पे देखिए आप, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो डील करता है सिविल मैटर्स से, यानी कि जो भी मैटर सिविल है, पर्सन के ओरिएंटेड है, या ऐसे कोई भी मैटर जो स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करता है सिविल मैटर्स में। और सेशंस कोर्ट किसके लिए होता है? क्रिमिनल मैटर्स के लिए। यानी कि ये दोनों का मेन डिफरेंस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द सिविल मैटर्स एंड सेशंस कोर्ट डील्स विद द क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स कौन से हो गए? जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, जो क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, जो ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट हैं, वो डील होते हैं इसमें। तो इसीलिए नॉर्मली क्या है, रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेशंस कोर्ट है जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है उसके लिए एक सेशंस जज अलग से होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज अलग से होंगे। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है और उसमें एक प्रिसाइडिंग जज होते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कहा जाता है। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में और कौन कौन से जजेस होते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, और भी कई टाइप्स ऑफ जजेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में काम करते हैं। किसके अंडर में? डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में, जो एक कॉमन टर्म हम यूज करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, हम सब जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है वो किसके अंडर में काम करती है? उस स्टेट की हाई कोर्ट के अंडर में काम करती है, यानी वो डायरेक्टली किसके सबॉर्डिनेट है? उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। इसका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यानी कि वो जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये कौन सी कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। सेम अप्लाइज टू दी सेशंस कोर्ट। ठीक है सर, पनिशमेंट जो है मैक्सिमम वो कौन सी दी जा सकती है? जो मैक्सिमम पनिशमेंट एक डिस्ट्रिक्ट जज दे सकते हैं दैट इज दी कैपिटल पनिशमेंट, बट इसमें एक रीजन होता है कि वो जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के वो सबॉर्डिनेट है उसके रेफरेंस से ही या उसकी कंसल्टेशन से ही वो कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मोस्टली आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे फैमिली कोर्ट भी होती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह ही काम करती है। फैमिली कोर्ट डील विद द मैटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू फैमिली, यानी कि डिवोर्स, मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर, ये भी समझ गए हम। अब आते हैं लोक अदालत पे, यानी कि हमने तीन टाइप ऑफ कोर्ट क्या पढ़ लिया? सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लिया। ये तो तीन कोर्ट्स हो गए, इसके अलावा कुछ और भी कोर्ट्स होती है जो अलग अलग मैटर्स को डील करती है, जैसे कि है एक एग्जांपल लोक अदालत। ये किसके अंडर में काम करती है? लीगल सर्विस अथॉरिटी इसके अंडर में काम करती है, जिसके बारे में एक हमारे चैनल पे आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा जिसमें हमने इस पर्टिकुलर लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, उसकी कुछ स्कीम्स के बारे में आपको बताया है। ठीक है, लोक अदालत को समझते हैं। तो लोक अदालत किस प्रिंसिपल पे काम करती है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्या होता है सर, बताता हूं। ये क्या करता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है विदाउट ट्रायल। एक तरह से देखा जाए तो जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज का जो मोटो है, जो कहता है न्याय सबके लिए, ये उसी प्रिंसिपल पे काफी हद तक काम करता है। इसमें कोई कोर्ट नहीं होती, इसमें कोई केस नहीं लड़ा जाता, इसमें दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठा के उनके डिस्प्यूट को रिड्रेस करने की कोशिश करी जाती है। यानी कि ये क्या करता है, ये एक टाइप का फोरम है जो क्या, जो किस बारे में काम करता है? डिस्प्यूट या जो केसेस पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, या जो अभी तक सेटल या कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करता है। यानी कि एक बड़ी ही कॉमन सेइंग है लोक अदालत की कि इसमें दोनों में से कोई पार्टी हारती नहीं है, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट कराया जाता है इस प्रोसेस में, लोक अदालत के प्रोसेस में। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लोक अदालत के बारे में जान लेने की, वो क्या है? डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, एंड नो अपील अगेंस्ट सच अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि
जो लोक अदालत में डिसीजन आ गया वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पर, उसके ऊपर कोई अपील नहीं करी जा सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी के समझने के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि लोक अदालत क्या है। इसमें कोई हारता नहीं है, दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा के उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करी जाती है, जिस भी फॉर्म में कराने की कोशिश की जाए। ये एक टाइप ऑफ ADR है, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल है। ठीक है सर, और क्या पढ़ा हमने? इसका जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज पे, और इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं करी जा सकती। ठीक है, अब आता है स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट क्या है सर? स्पेशल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि ये डील करता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ पे रादर देन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के जो टेरिटरी ऑल ओवर इंडिया में, हाई कोर्ट पर्टिकुलर स्टेट को डील करता है, डिस्ट्रिक्ट को डील करता है, लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में काम करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ, मेनली सालसा का ऑफिस होता है या डालसा का ऑफिस होता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया ओरिएंटेड होता है। लेकिन जो स्पेशल कोर्ट होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ को डील करते हैं, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाउंड नहीं होते हैं। ये किसके अंडर में बने हैं? स्पेशल कोर्ट एक्ट 1979 के अंडर में बने हैं। तो ये किसके लिए एस्टैब्लिश हुए थे? ये एस्टैब्लिश फॉर वेरियस ट्रायल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑफेंसेस, यानी कि स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स डिजाइन जो करी गई वो हो गई हमारी स्पेशल कोर्ट्स। इनके बारे में हम इन ब्रीफ अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आते हैं ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यानी कि वो पार्टली जुडिशियल है। ये किस बारे में काम करती है? इट इज अ क्वाडी जुडिशियल बॉडी इज एम्पावर्ड विद जुडिशियल पावर्स दैट डील विद डिफरेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि डिस्प्यूट ओरिएंटेड जो बॉडीज अलग से बनाई जाती हैं उसको ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ओरिजिनली दो टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स के लिए हमारे यहाँ पे अलाउंस है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। किस बारे में है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि आर्टिकल 323A के अंडर में होती है, और एनी अदर ट्रिब्यूनल जो कि आर्टिकल 323B के अंडर में लिखा हुआ है। अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें कि क्या क्या ट्रिब्यूनल्स होती हैं, तो भाई एक हमारे पास है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलान ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा। ठीक है सर, इनका वर्क मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें तो जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये वर्क करती हैं किस पे? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे, और इनके जो जजमेंट्स होते हैं बहुत क्विक होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो रिड्रेस किया जाता है मैटर्स को बहुत क्विकली किया जाता है। लेकिन एक ट्रिब्यूनल्स के बारे में जान लेने वाली चीज क्या है कि जो कोर्ट ऑफ लॉज होते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये बाउंड है किस चीज के लिए? प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। किसका प्रोसीजर? लॉ का। लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, ये अपना जो जजमेंट देती है वो नेचुरल जस्टिस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देती है। इसीलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके जो मेंबर्स होते हैं कौन से होते हैं? रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस हो सकते हैं, यानी कि जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं जो अपनी प्रूडेंस के हिसाब से, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके अपना जजमेंट देते हैं। ये एक फोटो लगी हुई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, जिसको देखिए आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे, और जल्दी से एक बार रैप अप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सर हमने जो हमारी कंट्री की एपिक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद होती है अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट। हमारे इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके नीचे कौन काम करता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट काम करती है। इन्हीं के साथ कौन काम करता है? फैमिली कोर्ट। और इसके साथ साथ हमारे पास तीन अलग अलग टाइप ऑफ कोर्ट भी है, जैसे कि लोक अदालत जो अलग मैटर को अलग पर्पज को सर्व करती है, स्पेशल कोर्ट जो कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ को डील करती है, और ट्रिब्यूनल जो कि अलग अलग मैटर्स के लिए बनाए गए हैं। और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये अपना जो जजमेंट है इन ट्रिब्यूनल से जो दिया जाता है वो दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेनली फोकस करके। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में। आई होप इसने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प किया हो। आप अपने व्यूज को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।